तो वैसे भी साउंड चेक कर लेते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. तो क्या हाल चाल अपनी पब्लिक गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी अलग से आने वाली है यहाँ पे भाई मोरिनी खड़ी हुई है भाई, पर 649 cc की गाड़ी, एडवेंचर अच्छी गाड़ी लग रही है, टूरिंग वाली गाड़ी, बट अपनी यहाँ से खड़ी है यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी हम इसमें एग्जॉस्ट लगवाने वाले हैं। और भाई देख लो, मैंने अपना इंस्टाग्राम का आगे लगवा लिया, साइड में लगवा लिया भाई। धूप हो रही है बहुत ही गंदी, जिसे बोलते हैं इतनी गंदी धूप हो रही है कि हालत हो रही है ख़राब। बाकी भाई ये अपना बैंड पाइप, ये अपना बैंड पाइप जो भैया से बात हुई है, रेट वगैरह तो आपको लास्ट में बताऊंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई आप यहाँ पे आ सकते हो न्यू फ्रेंड नेसेसरी पे, यहाँ से न्यू करोड़ बाद में पड़ता है भाई। ये अपना जसमीत भाई है उनके जस्ट साइड में। बाकी R9 का अगर एग्जॉस्ट दिखाऊँ तो भाई ये भाई सिंगल ऐसा खुलता नहीं, लेकिन उसके हाथ में हेलमेट रखे हुए हैं, देख रहे हो। इसकी भी अनबॉक्सिंग हो गई भाई, फाइनली अनबॉक्सिंग हो चुकी है, क्योंकि यार मुझे रेट नहीं का थोड़ा सही लगा। बाकी निकालता हूँ, बाकी भाई एग्जॉस्ट लगने वाला है, कह रहा पीछे बैठने में मज़ा आएगा, कह रहा पैसे दे रहे हैं तो मज़ा तो आएगा ना। सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, सचिन रजवानी है यहाँ पे, अपनी AK-47 में मार रखी है यहाँ पे, इंस्टा का यहाँ पे आके डीएम डाल दिया। सो अभी करते हैं बंद भाई, बाकी अभी तो वही मज़ा आने वाला है गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई इसमें खोलने की मेहनत है, प्लस पेंट पर साइड से निकलेगा। तो गाइस एक बार रुको, मैं जाता हूँ थोड़ा काम वगैरह करता हूँ भाई, पकड़नी पड़ेगी गाड़ी है। बाकी ये भैया रखवाएंगे, बाकी भाई यहाँ पे देखो भाई कौन रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल कितनी लाउड है भाई, कितनी लाउड है, सुपर बाइक लग रही है। इस साइड से थोड़ी वो कर ले, झुका दे मतलब अपनी साइड, भाई मेहनत करता हूँ अपना भाई, तो भैया अपनी मेहनत करते हुए। तो भाई इसमें जो टाइम लगने वाला है ना, अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये गाड़ी गंदी भी हो रही है, गाड़ी को धुलवाएंगे भी, ये कार मैंने वो रखा था भाई पहले से, वो रखा था, अब ये पैनल खुलेगा, फिर पूरी अंडर बैली निकलेगी, और उसके बाद फिर नीचे से हम साइड से एग्जॉस्ट निकालेंगे। बाकी भाई मज़ा बहुत आने वाला है भाई, ये मैं बता रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है इस एग्जॉस्ट के अंदर। बाकी भाई R9 का अपना एग्जॉस्ट कुछ ऐसा, मैं तो दिखा देता हूँ, कुछ अपना ऐसा एग्जॉस्ट देखने में मिलेगा भाई, फिनिशिंग बहुत 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 ही प्यारी। ऐसा है भाई अपना कुछ एग्जॉस्ट, बाकी मैं ये भी एक एग्रोपॉविक का भी है भाई इसमें, वो भी मैं लगवा सकता था, बट यार R9 का मुझे एग्जॉस्ट अच्छा लगता है, जेन्युइनली अच्छा लगता है, तो मैं सोचा बस बाकी मैं ट्राई करवा लूँगा एग्रोपॉविक का भी, कैसे क्या सिस्टम रहेगा, उसके बाद देखेंगे जब ये हाई RPM पे होगी अपनी गाड़ी तो क्या मज़ा आने वाला है। एग्जॉस्ट भी लगवाना मेन है ना, वो KTM हो उसमें एग्जॉस्ट ना हो, 390 हो तो उसमें ये है। तो गाइस अभी पहले थोड़ा बहुत ये खुल जाए, उसके बाद मैं आता हूँ जब एग्जॉस्ट लगने की बारी आएगी, क्यों ना भाई वीडियो तो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको बिल्कुल थोड़ा मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल एक घंटा जैसे लगे फटाफट से अपनी वीडियो चल रही है, और क्या देख सकते हो पीछे एकदम नया भाई, जैसे बोलते हैं नया आगे का दिखा। शुगर हेलो ब्रो, ब्रो कह रहा है एक तो साले पैसे भी मैं दूँ, सब चीज़ मैं करूँ काम भी मैं करूँ, क्योंकि लग रही है धूप भाई, लग रही है गर्मी बहुत ज़्यादा। अब इसमें नीचे से खुलेगा एग्जॉस्ट बैंड पाइप, तो आ चुका है भाई अपना, और करते हैं जैसे थोड़ी देर में आते हैं, उसके बाद जैसे बॉडी वगैरह खुलती है उसके बाद मिलते हैं, से कंटिन्यू करते हैं एक्स को। तो भाई लोग अपने पैनल वगैरह तो निकल चुके हैं, कितने गंदे हो रहे हैं भाई सब, देख रहे हो
कितने गंदे हो रहे हैं। साइड से बिना पैनल के गाड़ी ऐसी लगती है भाई, लगा रखे ताकि गाड़ी रहे सीधी। कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि यार वीडियो बहुत छोटी बनेगी लेकिन मज़ा है, क्योंकि अभी पूरी अंडर वैली बाहर आएगी, उसके बाद यहाँ से बैंड पाइप निकल के एग्जॉस्ट लगेगा। बाकी ये अपने ज़्यादा जहाँ तक है इंजन में फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई कुछ टाइम के लिए, यार एग्जॉस्ट का मज़ा भी लेना चाहिए भाई हरदम। बिल्कुल स्टॉक के साथ चलोगे तो मज़ा नहीं है उस चीज़ में, यही इसको निकलने में ही टाइम लगेगा भाई, कभी लूज़ होगा बैंड पाइप निकलेगा, फिर अभी दोनों पैनल सेट होंगे। ये भाई तो देखो थोड़ा बहुत काम कराना, तो अभी मैं जस्ट आपसे मिलता हूँ। तो भाई इसका जो मेन सामान है वो बाहर आ चुका है, अंडर बेली जिसे बोलते हैं वो बाहर आ चुका है। भाई एक बार जरा साउंड कब ऑन कर देना भाई, बहुत ही प्यारी आवाज़ आती है भाई, इतनी लाउड कोई हद नहीं है, बट हीट से आपका शॉकर जल जाएगा भाई। तो जैसे मैं बता रहा था, ये जैसे स्विच ख़राब हो चुका है भाई, इसमें दिक्कत आती है। अब देखो ऑन हुआ है, जो अंडर वैली हटती है तो ऐसा कुछ साउंड आता है गाइस, कितनी लाउड है देख रहे हो। बट भाई ये शॉकर की ऐसे ऐसी कर देगी गाड़ी, आप इस टाइम तक ही अच्छी लगेगी, उसके बाद ना लगे अच्छी बिल्कुल भी। तो आपको जो इसका साउंड था कैसा लगा ये बता सकते हो गाइस। बाकी मेरे दोस्त का दुख बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जो मेरे भाई का फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है। लाइन आ गई गाइस, लाइन आ गई, दुखी है दुखी, लेकिन तब भी मुस्कुरा रहा है भाई, देख सकते हो आप। अपना फ़ोन ख़राब हो जाना उसके बाद भी मुस्कुराना कोई मेरे भाई से ठीक है। एग्जॉस्ट लगने के बाद आने वाला है इसमें मज़ा, हेलमेट वगैरह तो अपने पास भी जेन्युइन है भाई, जेन्युइन जैसे बोलते हैं, देख सकते हो। पहले की मेरे ब्रेक पैड्स लगवाए थे तो उसका साउंड उसकी है। बाकी अपना ये रहा अपना बैंड पाइप जो यहाँ से निकल के निकलेगा। बाकी भाई जो वो अंडर बैली तो उसके बीच से निकालोगे ना एग्जॉस्ट को, जो जैसे जो साइलेंसर निकल रहा था उसके बीच से पाइप निकालोगे ना, यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर से यहाँ से आएगा ना, हाँ ये आएगा। थोड़ा बहुत है गाइस, गाइस ये है वीडियो में मज़ा आना चाहिए, साउंड में मज़ा आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बाकी जिस दिन अपनी गाड़ी सेल करेंगे उस दिन यूट्यूब पर वीडियो आएगी, जिस भाई को चाहिए होगी वो देख लेना, थोड़ा ले सकता है। बाकी थोड़ा बहुत लग जान दो माल वाल इसके अंदर, उसके बाद जब थोड़ी बहुत फिटिंग रहेगी ना तब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी एग्जॉस्ट का दिखाते हैं, किल स्विच तो ऑन कर मेरे भाई, गाड़ी गियर में भाई साहब क्लच दबाओ, दबाओ उसको, ओके ओके। तो गाइस पहले न्यूट्रल करते हैं इसको, सेल्फ मार दबाओ, एक्रोबॉबी कभी देखें अगर हो सके तो, छोटे वाले बैंड वाले वो आवाज़ भाई आपको कमेंट के अंदर बताने की आवाज़ कैसी लगी आपको। एक बार एक्रोबॉबी कभी लगा दोगे इसके अंदर हो जाएगा चेक, एक एक्रोबॉबी का दिखाता भैया को, एक बार एक्रोबॉबी का मंगाइयो, एक्रोबॉबी दिखाना हाँ ठीक है देख लेंगे ना कौन सा यार, एक बार साउंड चेक करने में क्या जा रहा है। डीबी के लक्ष्य तो आवाज ही नहीं आ रही थी इसके अंदर, आज भैया अरे फोन नंबर दिखा दे भाई जरा। तो भाई एक बार एक ये अपना एकर बॉडी का भी भाई से करता हाया बूसा, चलो चेक करो। तो भाई इसका भी साउंड चेक कर लेते हैं,
चलो फाइनली मुझे तो यार अपना यही समझ में आ रहा है जहाँ तक है यार। अपने को ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए, अपने को चाहिए थोड़ा बेसी सा जो कि इसके अंदर अपने को मिल रहा है। बाकी जस्ट भाई अभी थोड़ी फिटिंग विटिंग जो भी प्रॉपर एक बार करवा दे उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ भाई। अपने को ये भी घर लेके जाना पड़ेगा और भाई आज तो वीडियो यही बन पाएगी क्योंकि मैं माइक लाना भूल गया। बहुत बड़ी गलती होगी गाइस। तो आपको इस वीडियो को भाई शेयर करना है दवा के जो भी मेरा भाई है। फाइनली RC390 में अपना एग्जॉस्ट इंस्टॉल हो चुका है R9 का। अब आएगा मज़ा थोड़ा साउंड वाउंड का तो जस्ट फिटिंग विटिंग का। तो गाइस अपने जस्ट ये पैनल्स हो रहे हैं कंप्लीट, ठीक है पैनल्स कंप्लीट हो रहे हैं। साइड से हो चुका है, वहाँ से अपना बैंड पाइप निकल चुका है एग्जॉस्ट वाली जगह से और R9 का ये अपन ने भाई फाइनल कर लिया है। DB किधर लगा लेंगे कहीं बाहर जाना होगा वरना बिना DB किधर के चलाएंगे। अच्छा साउंड है। अगर अभी का भाई कुछ ज़्यादा ही लाउड हो रहा था तो अपने को इतना लाउड नहीं चाहिए, थोड़ा सा वैसा साउंड चाहिए अपने को, हल्का सा बेसी सा। बट ट्विन सिलेंडर के अंदर भाई अलग ही आवाज़ आती है, ये बात तो है। ट्विन सिलेंडर के अंदर अच्छी आवाज़ आती है, इसकी सिंगल में भी देखते हैं थोड़ा भगाएंगे तो कैसी आवाज़ आती है। बाकी मज़ा तो सुपर बाइक में होता है एग्जॉस्ट का, जल्दी सुपर बाइक पर भी शिफ्ट होएंगे गाइस। बाकी यहाँ पे भी अच्छा खासा कलेक्शन आ रखा है बाइक्स का, भी कुछ टाइम में ही वीडियो आने वाली है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस सब्सक्राइब करके चले जाना भाई। तुम्हारे भाई ने फाइनली एग्जॉस्ट लगवा लिया है RC390 के अंदर, R9 का रेसिंग जनरेशन। रेट की बात हम करेंगे बाद में। तो गाइस फाइनली अपना एग्जॉस्ट जो है वो डन हो चुका है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे R9 का भाई अच्छा लग रहा है। नो डाउट मेरे को लगवाने की लॉन्ग बॉडी थी, शॉर्ट बॉडी लगवाने का मन ही नहीं था। यहाँ से कुछ अपनी भाई ऐसी कुछ फिटिंग आई है, ये अपना इस नीचे से निकल गया। DB के अंदर भाई मैं लगा नहीं रहा, बाकी फिटिंग वगैरह भाई ने बढ़िया कर दी। जो भी अपना भाई न्यू फ्रेंड एसेसरी है भाई किसी भाई को लगवानी हो तो आप भाई आ सकते हो, थोड़ा नाम लोगे तो भाई आपको नेगोशिएबल भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई आपको मैं आप साउंड सुनाता हूँ भाई। अब तो ये भी लाउड लग रही है, मज़ा आएगा जब भगाएंगे ना इसको तब मज़ा आएगा। पहले साउंड सुनो भाई आप लोग। तो भाई इसमें तीन ऑप्शन, जैसे भैया ने बताया कि ये तीन ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर, मतलब साइलेंट, बहुत साइलेंट और लाउड, मतलब लाइक ये। भाई इसमें इतने भी सिस्टम है मुझे तो पता नहीं, बाकी मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो ही लगाऊंगा भाई। मेरे को भी वैसे बिना DB किलर के चलाने का मन है। कैसा लग रहा है ब्रो? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। तेरे पैसे वसूल है भाई, इन्हें लगवा दिया एग्जॉस्ट अपने बाइक में। भाई ऐसा होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, बिरयानी खिलाई हो? बस बात खत्म, बिरयानी लवर्स कह रहा है कुछ नहीं मिले ना मिले, नॉनवेज मिल रहा, बिरयानी मिल रहा है तो अलग ही मज़ा आता है। तो गाइस हम वीडियो को यहीं करते हैं एंड। भाई बाकी इसकी जो साउंड की जो वीडियो है ना प्रॉपर मेरे चैनल पर आने वाली है, एकदम प्रॉपर बनाऊंगा भगाते हुए। तो आपको क्या करना है, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। यही करता हूँ मैं एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।